वैदिक ज्योतिष में गुरु, बृहस्पति और जुपिटर ये क्या होते हैं, ये आज अपन जानेंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर्पस एस्ट्रो। और अपन शुरू करते हैं बृहस्पति के बारे में। तो गुरु क्या होते हैं? गुरु होते हैं एक पॉजिटिविटी जो होती है अपनी लाइफ के अंदर, जो विजडम होता है जो कि अपने को मिलता है उम्र के साथ साथ, और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो होती है इंसान की लाइफ को लेके, कि हाँ सब अच्छा होगा, जो होप होती है इंसान के अंदर, वो गुरु होते हैं। ये होप जिस भी इंसान में होती है वो आगे बहुत ज़्यादा राइज करता है। इसी कारण से गुरु को कहा गया है कि गुरु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट है। पूरी कुंडली के 9 ग्रह में से एक्चुअली 7 ग्रह हैं, राहु केतु ग्रह नहीं है, बट पूरी कुंडली के 9 ग्रह में से सबसे पॉजिटिव जो ग्रह है वो है गुरु। और गुरु की जहाँ पे भी दृष्टि पड़ जाए और जहाँ पे भी वो बैठते हैं वहाँ पे वो सारे दुख नाश कर देते हैं, ऐसा कहा गया है स्क्रिप्चर्स में। लेकिन ये थोड़ी सी बात समझने वाली है, उस पर अपन बात करेंगे। तो और क्या गुरु दर्शाते हैं? गुरु दर्शाते हैं आपका लक, आपका भाग्य कितना मजबूत है। तो ये क्योंकि आप ये देखिए, गुरु 9th हाउस को भी रूल करते हैं काल पुरुष की कुंडली में, और 12th हाउस को भी रूल करते हैं। तो गुरु 9th हाउस के उस दृष्टिकोण से लक दर्शाते हैं, और पिलग्रीमेजेस दर्शाते हैं। आप कोई यात्रा पे जाते हैं, भगवान की मंदिर जाते हैं, केदारनाथ, ज्योतिर्लिंग, 10 जगह जाते हैं, ये सब गुरु वाली प्लेसेस हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुरु का प्रभाव है। और 12th हाउस भी लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा होता है, जो पिलग्रीमेजेस होते हैं ये सब गुरु के अंदर आते हैं, 12th हाउस के अंदर आते हैं। और गुरु क्या दर्शाता है? गुरु अपने जनरल जो लाइफ के अंदर जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, इंसान जो जितना है उसमें कंटेंट रहता है, वो जो खुशी होती है ना, वो गुरु के द्वारा ही आती है। अदरवाइज़ जितने भी मैलिफिक ग्रह हैं, वीनस कुछ और पाने की उसमें है, मार्स कुछ और करने के उसमें है, शनि नेगेटिव साइड पे है, ठीक है, सूर्य अपने आप में बहुत ज़्यादा वो है, ईगो में है, चंद्रमा इमोशंस में बहुत ज़्यादा है, एकमात्र गुरु ही ऐसा है जो कि ज्ञान में है। और ज्ञान से ही आपको सत्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान एज इन दिमाग में विचारों वाला ज्ञान नहीं, ज्ञान मतलब जो असल में, जो भावनाओं के साथ में जो आप फील करते हैं वो वाला ज्ञान। और विचारों वाला ज्ञान तो आपका बस थॉट प्रोसेस है, और जो असल ज्ञान होता है, जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, वो सैटर्न से आता है। तो ये सब गुरु हायर लर्निंग जो आपको होती है, जो भी भगवान, वेद, शास्त्र और इस दुनिया की जो सच्चाई है, ये सब जो पता करने का काम होता है, जिसको जो प्रदान करता है हमें ये सब इस बात का नॉलेज, वो होता है बृहस्पति। और बृहस्पति क्या होते हैं? सात्विक गुण जो होता है वो बृहस्पति के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा सात्विक प्लैनेट है बृहस्पति। और इन्हें आकाश तत्व से जोड़ के देखा गया है, क्योंकि आकाश तत्व क्या होता है, जो अपने पंच तत्व हैं उनमें से एक तत्व है आकाश। एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो तत्व तो सिर्फ 4 हैं, और आकाश जो तत्व है वो किसी का मतलब ऐसे अलग तत्व नहीं है, वो बस हर जगह है। आकाश तत्व जो है वो हर जगह है और सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल चारों तरफ हर एक छोटी छोटी चीज़ के बीच में आकाश तत्व घुसा हुआ है। तो आकाश तत्व होता है गुरु। तो गुरु का जो प्रभाव है, आप ये देखिए कि जो आजकल पॉल्यूशन हो रहा है, एयर गंदी हो रही है, इससे आकाश गंदा हो रहा है। और गुरु जो होता है, अपना प्राण भी होते हैं, ऑक्सीजन जो होती है वो गुरु होती है। तो ये सब जो भी पृथ्वी में प्रभाव पड़ रहे हैं, इनसे गुरु कमज़ोर हो रहा है। और गुरु कमज़ोर होने से आप देखिए, हजारों सालों से धीरे 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 ये गुरु कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पृथ्वी का आकाश तत्व कमज़ोर होता जा रहा है। और आप देखिए, दुनिया से रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी कितनी नेगेटिव साइड पे आ चुकी है। जो हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों के समय पे जो स्पिरिचुअलिटी हुआ करती थी, एक जो ज्ञान हुआ करता था धर्म का, और आज की तारीख में जो है उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर पड़ गया है। तो मतलब जो गुरु है वो धीरे 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 ख़राब होता जा रहा है पूरी पृथ्वी का। और आप इसमें क्या देख सकते हैं? जो रिलीजन होता है, रिचुअल्स जो होते हैं, जो हम कर्मकांड करते हैं, पाठ पूजा पाठ करते हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये भी गुरु के अंडर में आती हैं। और सारे धर्म, जितने भी दुनिया के सारे धर्म हैं, सब गुरु के अंडर में आते हैं। हमारा भले हिंदू धर्म है, मुसलमान भले एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते हैं, उनके उसमें इतना उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ धर्म गुरु के अंडर ही आता है। मंदिर जो है, मंदिर में जो पुजारी हैं, ब्राह्मण लोग जो हैं, बाबा लोग जो हैं, सेजेस जिन्हें बोलते हैं,
ये सब लोग एक गुरु की जीती जागती रिप्रेजेंटेशन है। और गुरु क्या बताता है? गुरु आपको देता है ज्ञान, और ज्ञान से आप बनाते हैं फिलॉसफी। तो फिलॉसफीज जो होती हैं, जो फिलॉसफर्स होते हैं, जिन्हें फिलॉसफी का एक जो नेगेटिव साइड है वो सैटर्न से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन फिलॉसफी बेसिकली जो होता है, डिपार्टमेंट जो है वो गुरु का है। और मॉरल्स जो अपने होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो अपन बना के चलते हैं, अगर कुछ गलत है तो अपन उसके लिए खड़े होते हैं, ये अपना अंदर से मॉरल्स बोलते हैं, अपने को जो संस्कार दिए होते हैं ये बोलते हैं। तो ये सब भी होते हैं गुरु, गुरु के तत्व, गुरु के लक्षण। और गुरु एक बहुत ही, गुरु की एक कहानी है। जब बुद्ध का जब जन्म हुआ था तारा और चंद्रमा से, तो गुरु ने बुद्ध को माफ़ कर दिया था, बिकॉज़ गुरु ने कहा था कि बुद्ध की कोई गलती नहीं है इसमें, गलती चंद्र की है और तारा की है, लेकिन बुद्ध तो पैदा हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है। इससे ये बहुत बड़ी बात पता चलती है हमें गुरु ग्रह के बारे में, कि ये माफ़ करने की क्षमता रखता है। ये कुछ भी हो जाए, अगर आप गुरु वाले व्यक्ति के साथ में कुछ गलत भी करेंगे, तो वो आपको आसानी से कुछ समय बाद में माफ़ कर देगा। वो अपने अंदर गिले शिकवे और वो घृणा लेके नहीं बैठा रहता है। तो ये गुरु की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड है, सात्विक साइड है। और गुरु एक्सपेंशन का कारक है, कुछ भी चीज़ होती है उसको एक्सपेंड करता है। तो जैसा कि अपन ने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी कि गुरु अच्छा अच्छा होता है सारा, हैप्पीनेस एंड ये सब का जो मैं आपको बोल रहा था, ये एक्सपांशन से रिलेटेड पॉइंट था, कि एक्सपेंशन जो होता है ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप देखिए, अगर गुरु अच्छे ग्रहों से है, अच्छे युक्त है, दृष्ट है, गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो गुरु मान लीजिए आपके धन का एक्सपेंशन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए गुरु खराब दशा में है, पीड़ित है, और मान लीजिए आप वो गुरु आपके दुखों को गवर्न कर रहा है, मान लीजिए 8th लॉर्ड है, 8th हाउस से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, तो वो 8th हाउस की चीज़ों को भी एक्सपेंड कर देगा। मतलब आपके दुख एक्सपेंड हो जाएंगे, आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जितना गुरु का साइज़ है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो गुरु इज़ नॉट ऑलवेज अच्छा अच्छा प्लैनेट, गुरु जैसा रहता है कभी कभी कुंडलियों में बहुत ज़्यादा खराब भी रिजल्ट दे देता है, बिकॉज गुरु का काम है एक्सपेंड करना। और फिर वो ये नहीं देखता कि अच्छा है या बुरा है, वो बस एक्सपेंड करता चला जाता है। और एक्सपेंड करने से ये सेकंड हाउस का कारक भी है, तो जो वेल्थ है आपका, पैसा है, समृद्धि है, ये सब गुरु के अंडर आती है। गुरु का प्रभाव जिसके सेकंड हाउस पे हो, जिसके किसी भी भाव पे दृष्टि हो, वो भाव फल फूल जाता है, वहाँ की बहुत सारी दिक्कतें बहुत कम हो जाती है देखा जाए तो। और गुरु गोल्ड का कारक है, येलो कलर का कारक है, जो धातु गोल्ड है वो गुरु की धातु है, और जो इसका रत्न होता है वो भी पुखराज होता है, वो भी येलो होता है। और गुरु के काम क्या होते हैं? जो गुरु वाला आदमी होता है, जिसका गुरु प्रोमिनेंट होता है, वो लोग होते हैं एडवाइज़र होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, टीचर प्रीचर्स होते हैं। ये लोग छोटे मोटे स्कूल टीचर हो, या बड़े प्रोफेसर हो, या फिर छोटे मोटे मंदिर के पुजारी हो, या फिर बड़ी संस्था के अधिकारी हो, ये सब गुरु के अंडर आते हैं। और गुरु की जो दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7 और 9 और एक जहाँ पे गुरु बैठा है, तो जो दृष्टि होती है 5वीं और 9वीं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिक दृष्टि बोली गई है। जहाँ पे भी गुरु बैठता है, मान लीजिए आपका गुरु बैठा है 10th हाउस में, तो वो 5वीं से देख रहा है 2nd हाउस को, 9वीं से देख रहा है 6th हाउस को, और बैठा है 10th हाउस में। तो ये जो 2, 6, 10 का जो पूरा त्रिकोण है, ये पूरा त्रिकोण गुरु ने कवर कर लिया। मतलब आपकी ज़िंदगी में आपको नौकरी और काम करने का और पैसे का दिक्कत कभी नहीं होने वाला। गुरु गुरु हमेशा आपका ख्याल रखेगा उस चीज़ में। और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स गोचर और दशा के अंतर्गत आती हैं, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश करेगा। ये आपकी ब्लेसिंग है, आप इस एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं पिछले लाइफ टाइम से। लेकिन अगर आप मान लीजिए 4, 8, 12 के ट्राइन में बैठा है गुरु, तो गुरु का क्या होगा? वो आपको मोक्ष और आपको ज्ञान और आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इंसान का, उस समय आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाने की कोशिश करेगा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए गुरु जो होता है वो कैंसर साइन में, कर्क राशि में बहुत ज़्यादा उच्च का होता है। और उसका एक और कारण है कि गुरु जो होता है ज्ञान ज्ञान बांटना होता है, और कर्क राशि जो है वो है बहता हुआ पानी, जैसे नदी बहती रहती है वैसा पानी है वो।
तो जो ज्ञान है गुरु की तरफ से, वो ज्ञान इस तरीके से बिल्कुल पानी की तरह बहता रहता है, सब लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, सब लोग वो ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ये क्वालिटी होती है जुपिटर इन कैंसर की। और इसका उल्टा जो जुपिटर इन कैप्रिकॉन होता है, जो डेबिलिएटेड राशि है, उसके अंदर गुरु बहुत ज़्यादा ज्ञान को रोकने वाला हो जाता है। आप ये देखिए, जो कैप्रिकॉन जो होता है उसमें गुरु के पास में भी ज्ञान होता बहुत है उस इंसान में, लेकिन वो ये सोचता है कि ये सामने वाले के लायक, सामने वाला मेरे ज्ञान के लायक नहीं है, तो वो ज्ञान बांटता नहीं है। और देखा ऐसा जाता है कि जैसे जैसे वो ज्ञान नहीं बांटता वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता भी नहीं है। तो इस कारण से गुरु कैप्रिकॉन में खराब कहा गया है। और गुरु खाने पीने की चीज़ों में जो स्वीट्स होती है, आप ये देखिए, जब भी कोई फंक्शन होता है तो अपन मिठाई देते हैं, मिठाई खाते हैं, कुछ भी अच्छा होता है तो मुंह मीठा करते हैं, तो वो गुरु को बढ़ाता है। तो इस कारण से जब भी कुछ अच्छा हो तो आप गुरु को ज़रूर इनवाइट करें अपने घर में, अपनी लाइफ में, मीठा खा के या खिला के। और थोड़ी बहुत कुछ जो गुरु के नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि गुरु बहुत बड़ा है साइज़ में, ठीक है, तो वो लेज़ी भी है, फैट भी है। गुरु का जो पिक्चर में जो दर्शाया जाता है बृहस्पति की प्रतिमा और फोटोज़ में, उनमें देखिए पेट बहुत बड़ा रहता है गुरु का, और गुरु बहुत ही मोटा सा हट्टा कट्टा सा आदमी होता है। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वो बस ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, उनको एस्थेटिक से और अपने शरीर से इतना कोई लगाव नहीं है। ये सब होता है वीनस और मंगल का डोमेन, तो गुरु को इन सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। और गुरु वालों का जो सिर होता है, जो मस्तक होता है, वो काफ़ी बड़ा और चौड़ा और लंबा होता है, मतलब बड़ा सिर मतलब ज़्यादा ज्ञान, आप ये देख के समझ सकते हैं। और गुरु जहाँ पे भी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि गुरु मेरे लग्न को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, तो क्या हम मोटे हो जाएंगे, हमारी मोटे होने की टेंडेंसी है? तो ये टेंडेंसी हो सकती है अगर आपका ओवरऑल चार्ट कर रहा है इंडिकेट, और आप उस प्रकार से अपना हेल्थ मैनेज नहीं करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दुबले पतले से होते हैं जिनका लग्न में गुरु होता है। तो गुरु करता क्या है, गुरु का जो वो होता है वात पित्त और कफ, उसके अंदर से जो कफ होता है वो गुरु बढ़ाता है। 12th हाउस आप देखिए, 12th हाउस इमेजिनेशन और इसका भी है। और जो कफ अपने शरीर में होता है, वो कफ जब ज़्यादा होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होने लगता है, ये एक क्वालिटी आप देखिए। और वो इंसान बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है, मतलब वो आलसी हो जाता है और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है जिसमें कफ ज़्यादा होता है, वो मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा करता है और इमेजिनेशन वाले काम ज़्यादा करता है। तो ये सब चीज़ें गुरु के अंदर आती हैं। थोड़े बहुत नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से कुंडली में बैठा है, प्लैनेट का बल क्या है, षडबल भी और बाकी राशि बल भी, भाव बल भी, और किन ग्रहों के साथ में युक्त है, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये सब था गुरु के बारे में, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपन अगले वीडियो में आएंगे, बात करेंगे वीनस के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।